आज बहुत दिन बाद हम लोग जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं बाबू? बताएंगे कहाँ जा रहे हैं बाबू? कुमू कुमू कहाँ करेंगे गुमू गुमू? बाबू काऊ कुछ होगा क्या? कहाँ जाएंगे गुमू गुमू बेटा? बिग पार्क। ओके बाबू, कहाँ जा रही हो? बड़ा पार्क है ये, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि यहाँ पे ये झूला वगैरह भी, अभी चलूंगी तो मैं आपको नजदीक से दिखाऊंगी। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, वो कॉर्नर में वहाँ पे सब बच्चे झूला झूल रहे। तो अभी अल्टीमेटली जाना हमें वहीं है, लेकिन थोड़ा सा श्रेनिका घूम ले तो इसलिए हम लोग इस एरिया में आए। श्रेनिका भाग गई है दौड़ते दौड़ते, और बस उसके पीछे 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 जा रही हूँ मैं उसको खोजने के लिए। अपने पापा के साथ दौड़ के भाग गई। ये खरीदना हो गया। चलो ये लो, आ जाओ। बैठने के बाद रियलाइज़ हुआ कि श्रेनिका को लेकर हमें इस झूले पे नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो इंजॉय कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ने लगी ना तो श्रेनिका थोड़ी सी सहम गई थी, तो इसलिए हम लोगों ने बीच में ही झूला रुकाया और हम उससे उतर गए। बाकी सब कुछ सही रहा, बस ये एक शायद छोटी सी गलती हो गई मुझसे। नाउ वी आर गोइंग बैक। कहाँ आई हो? कोल्ड कॉफ़ी पीने आई हो? आज क्राउड ज़्यादा होने की वजह से वेट करना है, अभी नंबर लगा हुआ है यहाँ पे, ये है क्राउड है। आइसक्रीम है कि कोल्ड कॉफ़ी है? कोल्ड कॉफ़ी है ना, पी लो। चलो फटाफट फिनिश करो। ये वाला फोक चाहिए क्या? इससे खाओगे तो बड़ा स्पून है, इससे खा लो। नहीं हमारे वापस आने पे हमने देखा कि सोसाइटी में कुछ जगराता का प्रोग्राम होने वाला था, तो उसी की तैयारी शुरू हो गई थी और बच्चे उसमें पूरा एंजॉय कर रहे थे।
अभी बज गए हैं रात के 1:45 को होने वाले हैं और अभी जा करके श्रेणिका सोई है। इतनी मुश्किल से मैं उसको नीचे से लेकर के आई, वो जब से आई थी वहां से घूम के, उसके बाद उसने ना दूध पिया था ना कुछ खाई थी, सिर्फ वहां पे उसने जो थोड़ा बहुत खाया बस वो खाया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैं उसको ऊपर लेकर आई, दूध पिलाया और बहुत ही मुश्किल से सुलाया, मतलब उसको आना ही नहीं था, सोना ही नहीं था, सिर्फ वहां बैठना था, मतलब सारा जगराता उन्हें ही करना था, जगराता तो अभी भी चल रहा है, आवाज आप लोग को बैकग्राउंड में आ ही रही होगी। मैं बस सिर्फ अभी जस्ट मैं अपना सिस्टम ऑन करके बैठी थी, मैंने सोचा थोड़ी सी एडिटिंग कर लेती हूँ तो फिर आप लोगों से बात करती हूँ। एडिटिंग अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं करी है, बस जा रही थी और बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, मतलब जैसे जगराता हो रहा है ना, मुझे लग रहा है उसी का असर है कि इतनी अच्छी हवा चल रही है। श्रेणिका उसके पापा सो गए हैं, मैं बस थोड़ा सा काम करूंगी और फिर उसके बाद सोऊंगी, क्योंकि आवाज इतनी है ना कि नींद भी नहीं आ रही है और बहुत लेट हो जाता है तो भी नींद नहीं आती। आप लोग भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा आप थक जाते हो या बहुत लेट हो जाता है रात को सोने से, मतलब आप यूजुअल जिस टाइम पे सोते हो उससे अगर काफी लेट हो जाता है तो क्या आपको भी रात को नींद नहीं आती? मुझे तो नहीं आती है, मैं मतलब थोड़ा परेशान भी हूं अपनी इस हैबिट से, जैसे दिन में आज मैं थोड़ा सा सो ली थी तो इस वजह से शायद और ज्यादा नींद नहीं आ रही है मुझे। तो बस ये था आज का मेरा एक बहुत छोटा सा व्लॉग, अगर पसंद आया हो फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर पसंद आया हो आपको तो आपके फ्रेंड्स को भी ऑब्वियसली पसंद आएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को ताकि बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर आप बेबी केयर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर किसी भी टॉपिक को लेकर बहुत परेशान हैं तो डिस्क्रिप्शन में आज मैंने एक लिंक डाल के रखा है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक ज़रूर करिएगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ देखने को मिले। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।